Hi guys, this is Jigar and you are watching Vadodara Culture. Welcome back to my YouTube channel. So, इस वक्त आप देख रहे हैं जिगर को. पीछे देखिए आप मेरी. Wow. So, finally I am here and place बहुत अच्छा है. आपको peace मिलेगा, शांति मिलेगी. So, एक week हो गया मैंने video shoot नहीं किया था. आपने last video मेरा देख ही लिया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों. उमेटा और इस साइड उमेटा गांव टाइप जाता है और इस साइड हमको जाना है ये राइट साइड पे. जैसे हम इधर से आए हैं, अपने वडोदरा सिटी से आए हैं, वडोदरा सिटी के आने के बाद ये सर्कल पर और यहाँ से राइट लेना है तो राइट साइड जाएंगे हम लोग. तो चलिए चलते हैं. ये अच्छा प्लेस है, यू कैन विजिट एंड आमरोल जो गांव है वहां से आप इधर आ सकते हो. तो चलिए मैं आपको थोड़े सिनेमेटिक शॉट्स दिखाता हूं. गाइस, तो जैसा कि आपने थोड़े बहुत सिनेमेटिक शॉट्स देखे, आपको देख के ही पता चल गया होगा कि कितना बेहतरीन व्यू है और प्लेस देखिए कितना पीसफुल है. एक्चुअली मैं तो काफ़ी दिन से सोच रहा था लेकिन मुझे ये एड्रेस, ये जो प्लेस है मुझे मिल नहीं रहा था. बहुत ढूंढा. मेरे साथ है मुन्ना भाई जिन्होंने मेरे साथ अगले वीक भी हेल्प की थी, मेरे साथ आए थे ये ढूंढने में ये प्लेस. आज फाइनली हमने ये प्लेस ढूंढ लिया और फिर हम इधर आ गए. नए मिले हैं, अब हमारी चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी करिए. तो चलिए मेरी बैग और ये हमारा कैमरा. हम हैं रिवर फ्रंट कैफ़े, फर्स्ट टाइम इन वडोदरा. थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे क्या प्राइस है, क्या खाने को मिल रहा है और क्या टाइमिंग रहेगा और कौन से वे से इधर आ सकते हो. थोड़ा डिटेलिंग में बताएंगे और बात करेंगे थोड़ा. आइए मिलते हैं सर. तो कैसे है सर? बढ़िया. और ब्रदर भी कह सकता हूँ, मेरे भाई भी. साहिल जी, आप डिटेल में बताइए कि नाम क्या है और यहाँ पर क्या क्या फूड मिलता है और क्या टाइमिंग है, थोड़ा डिटेल में बताइए सर. तो ये जो स्पेस है इसका नेम है बरोड़ा कायक्स. जैसे आपने बाहर लोगों में यार सर्च में किया होगा तो उसका नाम आता है बरोड़ा कायक्स. ठीक है, हमारा जो मेन सर्विस है वो कायक सर्विस है एंड कैफ़े सर्विस है. रिवर साइड फेसिंग ओनली वन कैफ़े बाय रिवर साइड. ठीक है, सो वाटर स्पोर्ट्स में जैसे हमारे पास कायक सर्विस है, सिंगल सीटर, डबल सीटर, स्टैंड अप पैडल और एज वी हैव नाइट कैंपिंग ऑल्सो. सो ये सारी सर्विस के लिए आपको हमारा ऑनलाइन वेबसाइट है बरोड़ा कायक्स डॉट कॉम, उस पर विजिट करके आप बुकिंग करा सकते. ओके, तो ये थोड़ा आप नोट कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मेशन. ओके, तो जैसा कि आपने सुना और जाना वेबसाइट का नाम है, उन्हें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहां पे भी जाके इनका पूरा जो भी लोकेशन के बारे में, टाइमिंग के बारे में और फूड जो भी मिलता है यहाँ पर, तो आप आइए एंजॉय कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ. रास्ता भी बहुत अच्छा है, इतना भी मैं ऐसा तो नहीं भूल सकता क्योंकि रास्ता मैंने देखा है, अच्छा है. तो अगर आप कार लेके आते हो या बाइक लेके आते हो तो पार्किंग की भी सुविधा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है. और बहुत ही अच्छा प्लेस है, पीसफुल मिलता है, दिल को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, वन लाइफ मिलती है. तो ज़रूर से ऐसे प्लेस पर आपको आना ही चाहिए. तो टॉमी क्या चाहिए वे तेरे को?
नेचर का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, पीसफुल है। और आप पीछे देखिए, आपको शायद एक पुल दिख रहा है। यहाँ का मौसम अच्छा है। वैसे मैं दोपहर के टाइम आया हूँ, लेकिन आप इवनिंग टाइम में आएंगे तो बहुत ही अच्छा है। मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यानी अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल यानी कि वीडियो आप देख रहे हैं, तो मेरी चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप थोड़ा नज़दीक आ जाइए, ये देखिए सनलाइट। वैसे मैं तो ऐसा सोचता था कि मेरे पास शाम को टाइम मिलेगा, लेकिन शाम का मेरा कुछ शेड्यूल चेंज है। सो आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू फॉर यू, सो कम हियर एंड लुक एट दिस प्लेस। आइए थोड़ा फास्ट चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे कुछ द वाटर फ्रंट कैफे काया कैंप चिल इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि देखिए ये पेनल्टी कुछ मारी है पर पर्सन की, पेनल्टी भी लगा रहे ये लोग। सो यू कैन सी दैट एंड पर पर्सन 300 रुपीज प्राइस है, और अगर आप 2 पर्सन आते हो तो 600। उसमें के जो कुछ फूडिंग वूडिंग का वो लोग कट के आपके पास जो भी बस है तो उसी हिसाब से कुछ सेटलमेंट है। वो भी थोड़ी बहुत छोटे बनी हुई है, आप देखिए। मैं भी चाहता हूँ थोड़ा बोटिंग कर लूँ पर अभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने कोटना बीच पे, ये सामने देख रहे हैं आप, कोटना बीच पे ऑलरेडी हमने बोटिंग कर लिया था। सो सेम प्लेस तो सेम ही है, लेकिन लोकेशन थोड़ा चेंज है। कोटना बीच उस साइड है और ये जो कैफे है ये इस साइड। कैसी लाइफस्टाइल, मैं तो कोशिश करता हूँ कि जिंदगी में जितना भी कुछ आपको दिखा सकूँ, शो कर सकूँ, और जितनी भी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ तो उसमें से थोड़ा आप सीख सके। मेरे पास इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई एम लर्निंग फ्रॉम यू एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम मी। मैंने वही बताया कि लेक सेम ही है लेकिन लोकेशन चेंज है, तो आपको कुछ अच्छा फील होगा। ये देखिए, वाह। तो दोस्तों, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि आपको एकदम सेटिस्फेक्शन देगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून गाइस।